हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर इलेवन द रॉबिन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस चैप्टर सो टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर इलेवन द रॉबिन फर्स्ट वी विल नो अबाउट द वर्ड्स टू नो दैट मीन्स जो हार्ड न्यू वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हमें मालूम होनी चाहिए वी विल स्टार्ट विद दैट फर्स्ट वर्ड इज़ माइक माइक मीन्स पावर एंड स्ट्रेंथ माइक का मतलब होता है ताकत ठीक है और बल ऑटम डेज ऑटम डेज मीन्स इन द सीज़न ऑफ ऑटम विच कम्स आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर समर के बाद और विंटर से पहले जो डेज होते हैं उन्हें हम ऑटम डेज बोलते हैं नेक्स्ट इज विंट्री वेदर विंट्री वेदर का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा ठंड होना कोल्ड वेदर विंटर विंट्री वेदर दैट मीन्स वेरी कोल्ड और वी कैन से इट कोल्ड वेदर ओके नेक्स्ट इज स्प्रिंग स्प्रिंग मीन्स द सीज़न विच कम्स आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु ठीक है तो स्प्रिंग का मतलब यहाँ है ऐसा सीजन द सीज़न विच कम्स आफ्टर विंटर जो कि विंटर के बाद आता है और समर से पहले आता है आपने बसंत ऋतु के बारे में पढ़ा होगा बसंत पंचमी ये सब जो मनाई जाती है स्प्रिंग के आने पे ही ये हम मनाते हैं तो स्प्रिंग मीन्स बसंत Yafir, yeah, the season which comes after winter and before summer. Chale, now let's start the exercise understanding the text. First hai a take the correct answer. First question is the robin sang dash a happily, b sweetly, and c loudly. So we have already explained that the uh, robin sang sweetly. So the right answer is sweetly. Second is the robin kept singing through winter so that, so that the right answer is C. Winter would not seem so long. मैंने आपको इस पoइयम में बताया था कि robin पूरे winter अपना जो से गाना है वो गाता रहता है जिसकी वजह से winter क्या होती है ज़्यादा लंबी नहीं लगती. ठीक है. Next is third the robin. डैश ए सेंग ओनली इन विंटर बी इंजॉय द कोल्ड विंट्री वेदर एंड सी सेंग स्वीटली ऑल ईयर अराउंड राइट आंसर इज द रॉबिन सेंग स्वीटली ऑल ईयर राउंड चाहे विंटर हो ऑटम हो समर हो रॉबिन जो है वो हमेशा स्वीटली ही गाना गाता है तो राइट आंसर इज द रॉबिन सेंग स्वीटली ऑल ईयर राउंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ द रॉबिन वॉज वेरी डैश रॉबिन क्या है वेरी ए वाइज बी सेल्फिश एंड सी हेल्पफुल द राइट आंसर इज द रॉबिन वॉज वेरी वाइज वाइज मीन्स बुद्धिमान चतुर ठीक है चलिए बी इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्राम द पोएम अब हमें पोयम में से इन वर्ड्स को यूज़ uh, करके इस इन ब्लैंक्स को भरना है फिल करना है फर्स्ट इज ही सैंग विद ऑल हिज

ये मैं लास्ट में आपको करवाऊंगी एंड आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इसी वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स और रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करके करवाऊंगी नाउ नेक्स्ट इज प्लेइंग विद वर्ड्स ए नेम द पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं उनको देख के हमें इन वर्ड्स को यूज़ करना और इन्हें फिल करना है फर्स्ट दिया हुआ है लैम सेकेंड वर्ड इज़ कप थर्ड इज किटन फोर्थ इज़ काफ फिफ्थ इज़ जोई एंड सिक्स इज़ फोन ठीक है तो यहाँ पर ये जो नेम्स हैं ये बेटा किसके नेम्स हैं ये बेबी एनिमल्स के नेम हैं जो एनिमल्स होते हैं उनके जो बेबी होते हैं उनके भी डिफरेंट नेम्स होते हैं तो उनके नेम हैं तो फर्स्ट देखो लेट्स सी द पिक्चर दिस पिक्चर इज ऑफ बेबी लाइन तो बेबी लाइन को हम बोलते हैं कप सेकेंड सेकेंड पिक्चर इज ऑफ बेबी काव सो वी कैन कॉल इट काफ सो यू हैव टू राइट इट हियर काफ सी ए एल एफ बेटा जब हम काफ बोलते हैं तो एल का साउंड उसमें साइलेंट होता है सो यू हैव टू राइट काफ नाउ द थर्ड पिक्चर इज लुक एट दिस पिक्चर वॉट इज दिस दिस इज अबी कैंगरू तो बेबी कैंगरू इज जोई ओके द नेम ऑफ द बेबी कैंगरू इज़ जोई नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज A very little baby cat. Baby cat is known as kitten. K I double -T, t e and kitten. And next is baby deer. Baby deer is known as phone. F A W N Fawn. Okay. Now the next picture is of six number the picture, uh, six number picture is of बेबी शिप बेबी शिप इज़ नोन एज लैम्प एल एम बी लैम ओके सो नाउ बी वन विद ईच ऑफ द नेम्स ऑफ द एनिमल बेबीज गिव अमिंग वर्ड अब हमें राइमिंग वर्ड बोलना है राइमिंग वर्ड इससे पे पहले आपको मैंने एक्सप्लेन किया था जब भी पोएम करवाई है कि जो लास्ट जिनके साउंड लास्ट में काफ़ी कुछ सिमिलर होते हैं दे आर नोन एज राममिंग वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज किट ड का राइमिंग वर्ड स्लिट ओके सेकेंड इज कब कब का राइमिंग वर्ड टब भी हो सकता है पब भी हो सकता है ओके थर्ड इज पप पप का राइमिंग वर्ड कप देखो लास्ट के जो वर्ड्स हैं दे आर सिमिलर एंड दे आर हैविंग सेम साउंड कब टब पप कप ओके लाइक दिस फोर्थ इज काफ काफ का राइमिंग वर्ड आएगा हाफ एच ए एल एफ हाफ फिफ्थ इज चिक कामिंग वर्ड पिक पी आई सी के पिक सिक्स इज फोन फोन काम को बोला जाता है जब शाम होती है उस टाइम को हम बोलते हैं नाउ सी इज गिवेन आर टू लॉन्ग वर्ड्स मेक एटलीस्ट फाइव वर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ देम ये टू वर्ड्स दिए गए हैं इमेजरेबल इमेजरेबल और थंडर स्ट्रक तो इमेजरेबल का और थंडर स्ट्रक से आपको कितने वर्ड्स बनाने हैं फाइव फाइव वर्ड्स बनाने ठीक है फॉर एग्जाम्पल इमेज़रेबल में सबसे पहला वर्ड बन जाएगा एबल सेकेंड इज मेज़र ओके और थर्ड वर्ड हम बना सकते हैं श्योर फोर्थ वर्ड बना सकते हैं मील एम ई ए एल मील एंड फिफ्थ वर्ड बना सकते हैं हम बीम बी ई एम बीम सिमिलरली थंडर स्ट्रक हमें बनाना है तो थंडर स्ट्रक में सबसे फर्स्ट वर्ड हम लिख सकते हैं ट्रक सेकेंड वर्ड यूज कर सकते हैं अंडर थर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं थंडर फोर्थ वर्ड स्ट्रक फिफ्थ वर्ड हम बना सकते हैं रूड आर यू डी ई रूड ओके नाउ लर्निंग द लैंग्वेज लर्निंग द लैंग्वेज में वर्ब्स के बारे में यहाँ पर बोला गया है वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं ठीक है दे शो एक्शन और अ स्टेट ऑफ बींग जो वर्ब्स होते हैं वो हमेशा किसी भी एक्शन को शो करते हैं जैसे प्लेइंग क्लैपिंग ईटिंग स्पीकिंग टॉकिंग एंड राइटिंग दीज आर एक्शन वर्ड्स और दीज आर नोन एज वर्ब्स फॉर एग्ज़ाम्पल शी प्लेस क्रिकेट यहाँ पर आपको याद रखना है जब भी हम वर्ब की जब भी हम प्रेजेंट के बारे में बोल रहे हैं प्रेजेंट इन डेफिनेट के बारे में बोल रहे हैं तो वहाँ पर नेम के साथ या ही शी इट के साथ वर्ब में एस या ई एस जुड़ता है जैसे यहाँ पर है शी प्लेस क्रिकेट सेकेंड इज शी इज़ अनवेल यहाँ पर प्लेस वर्ब है और यहाँ इज़ क्या है ये वर्ब है हेल्पिंग वर्ब Now next is fill in the blanks with suitable verbs from the box. First is she dash the plants every day in the morning. She plants she waters. यहाँ yeah, waters आएगा बेटा क्योंकि यहाँ पर हम every day in the evening present की present indefinite की बात हो रही है तो यहाँ पर she के साथ verb में s या es add करेंगे इसलिए यहाँ पर verb हो जाएगा waters. सेकेंड इज ही डैश द बॉल सो हार्ड दैट ही फ्लू दैट इट फ्लू ओवर द वॉल यहाँ पर ये पास्ट के बारे में बोल रहा है कि उसने बॉल को बहुत जोर से मारा बहुत हार्डली मारा जिसकी वजह से वो वॉल के दीवार के उस पार चली गई तो यहाँ पर ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा ही किक द बॉल सो हार्ड थर्ड इज आई ऑलवेज डैश माई रूम नीट एंड टाइडी ऑलवेज हमेशा मैं हमेशा अपना रूम की नीट और टाइडी रखती हूँ तो यहाँ पर आई ऑलवेज कीप माई रूम नीट एंड टाइडी फोर्थ इज सोनम डैश इज सोनम डैश माई बेस्ट फ्रेंड तो फोर्थ आ जाएगा सोनम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फिफ्थ इज द प्लम्बर डैश द सिंक इन द किचन द प्लम्बर फिक्सड फिक्स्ड का मतलब यहाँ पर रिपेयर ठीक है प्लम्बर ने सिंक किचन के सिंक को फिक्स किया ठीक किया रिपेयर किया नाउ टेंट टेल आज द टाइम ऑफ एन एक्शन सो नाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज अबाउट टेंस वॉट इज द मीनिंग ऑफ टेंस टेंस मीन्स टाइम ऑफ एक्शन जो काम कर रहे हैं वो उस टाइम को बताता है जो का जो एक्शन हम कर रहे हैं उसके टाइम को बताता है टेंस फॉर एग्जाम्पल आई एट माई ब्रेकफर्स्ट येस्टरडे मैंने येस्टरडे अपना ब्रेकफस्ट किया खाया एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी हैज़ हैपन ऑलरेडी यहाँ पर ये यह क्लियर कर रहा है ये जो सेंटेंस है येस्टरडे की बात बता रहा है पास्ट जो हो चुका है ऑलरेडी इट इज हैपन तो यहाँ पर आ जाएगा एट ईट का सेकेंड फॉर्म एट ठीक है सेकेंड सेंटेंस इज आई ईट माई ब्रेकफर्स्ट एवरी डे आइन एक्शन दैट हैपन्स एवरी डे जो रोज होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट को इंडिकेट करता है तो यहाँ पर ईट आ जाएगा यहाँ पर ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि आई यू वी डे के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट है तो और अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट में नेम है ही शी इट है तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ा जाता है ठीक है नेक्स्ट इज आई विल आई विल ईट माई ब्रेकफास्ट एन एक्शन दैट इज येट टू हैपन अगर होने वाला है वो एक्शन या करने वाले हैं फ्यूचर की बात है तो वहाँ पर विल का यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ ठीक है चलिए लेट्स कम्प्लीट द एक्सरसाइज बी फिल इन द ब्लैक्स विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स प्ले ईट और सी फर्स्ट वी डैश बैडमिंटन एवरी इवनिंग तो यहाँ आ जाएगा हर रोज मैं खेलती हूँ शाम को तो वी प्ले बैडमिंटन एवरी इवनिंग सेकेंड इज वी डैश मैंगोज येस्टरडे येस्टरडे की बात है और ये जो एक्शन है ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है हो चुका है तो यहाँ आ जाएगा वी एट ईट का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एट

धुन से भरे हुए थे तो यहाँ आ जाएगा आई सॉ मिस्टी माउंटेन्स लास्ट ईयर देखा ठीक है यहाँ पर ऑलरेडी ये काम हो चुका है पहले उसने ये देख चुका है तो इसलिए यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे सी का फिफ्थ इज वी डैश द मूवी दिस इवनिंग आज शाम को मैं पिक्चर देखूँगी तो आज शाम को भी देखने वाली हूँ फ्यूचर है तो वी विल सी द मूवी दिस इवनिंग मैंने आपको बताया जब भी हम फ्यूचर का यूज़ करते हैं तो हमेशा विल और शैल के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज रूना डैश द डॉक्टर टुमारो रूना कल जाएगी डॉक्टर को दिखाने तो रूमा रूना विल सी द डॉक्टर टुमारो ओके सो दिस इज योर एक्सरसाइज ऑफ योर टेक्स्ट बुक स्काई लाक टेक्स्ट बुक सो नेक्स्ट वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज सो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली चैप्टर नंबर एलेवन द रॉबिन

फोर्थ इज स्प्रिंग स्प्रिंग मीन्स द सीज़न विच केम्स विच कम्स आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर जो सीजन समर विंटर के बाद और समर के पहले आता है उसे हम स्प्रिंग सीजन बोलते हैं बसंत ऋतु नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इज वाई डिड द रॉबिन गेव गिव थैंक्स फॉर समर आंसर इज द रॉबिन गेव थैंक्स फॉर समर बिकॉज द डेज वर सनी एंड ब्राइट ठीक है तो यहाँ पर आपको बताना है कि रॉबिन समर को क्यों थैंक्स बोल रहा था क्योंकि जो डेज़ होते हैं समर के वो सनी होते हैं सूरज चारों तरफ निकला होता है बहुत ब्राइट होता है इसलिए रॉबिन समर को थैंक्स बोल रहा था नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज वॉट वॉज स्पेशल अबाउट ऑटम तो रॉबिन नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऑटम के बारे में स्पेशल क्या है तो यहाँ आंसर लिख देंगे ऑटम वॉज स्पेशल बिकॉज देयर वर फ्रूट्स फॉर एवरी वन टू ईट क्योंकि ऑटम में सभी के लिए फ्रूट्स लगे होते हैं खाने के लिए मतलब इतने फ्रूट्स लगे होते हैं कि सब उसको खा सकते हैं इसलिए ऑटम को वो स्पेशल बताता है ठीक है क्वेश्चन नंबर आफ्टर दैट आई विल राइट क्वेश्चन नंबर फोर एंड आफ्टर क्वेश्चन नंबर फोर आई विल explain question number 3 okay fourth is name the four seasons discussed in the poem in this poem how many seasons are we have discussed how many seasons we have discussed four seasons what are they summer autumn winter and spring so you have to write the name of four season which we have already discussed in this poem the name of the season is summer autumn winter and spring now after that question number 3 वॉट हैपन इन द कोल्ड एंड विंट्री वैदर अब यहाँ पूछा गया है कि कोल्ड और विंट्री वेदर में क्या होता था तो आंसर थ्री है द रॉबिन कैप्ट सिंग इन द कोल्ड एंड विंट्री वैदर चाहे कितनी भी ठंड हो कितना भी विंट्री वेदर हो रॉबिन हमेशा अपना गाना गाता रहता था सो दैट विंटर वुड नॉट सीम सो लॉन्ग और रॉबिन के गाने की वजह से विंटर ज़्यादा लंबा नहीं लग रहा था ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर Uh, next question is reference to the context. But, uh, now, next question. Now, next question is reference to the context. First is I told you so. Question is the statement is I told you so. And now the question is when did the robin sing these words? Robin Y words kab guy. The robin sang these words when spring arrived after the cold winter months. Jab spring season, Aya. कोल्ड विंटर मंथ्स के बाद तब रॉबिन ने ये गाना गाया नाउ क्वेश्चन नंबर बी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर सी नहीं किया है ओमिट करवा दिया है क्वेश्चन नंबर टू इज एक्सप्लेन व्हाट दीज फ्रेजेस इन द पोएम मीन ए विद ऑल हिज माइट विद ऑल हिज माइट आंसर इज विद ऑल हिज माइट मीन्स विद ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड एनर्जी बेटा यहाँ ताकत की बात कहाँ हुई है ताकत की बात रॉबिन को लेके हुई है कि रॉबिन अपनी पूरी माइट अपनी पूरी पावर और स्ट्रेंथ के साथ होल ईयर वो अपना गाना कंटिन्यू रखता है बंद नहीं करता जिसकी वजह से जो बड़े विंटर विंटर जैसी जो बड़े बड़े मंथ्स हैं समर है वो क्या होते हैं हमें पता ही नहीं चलते कब शुरू हुए और कब ख़त्म हुए ठीक है नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज बी स्प्रिंग केम बैक अगेन अब यहाँ पर रॉबिन ने बोला था स्क्रिम स्प्रिंग केम बैक अगेन मीन्स दैट विद द नेचुरल टर्न ऑफ द सीज़न स्प्रिंग अराइड वंस अगेन आफ्टर विंटर इसकी मीनिंग यहाँ पर यह हुई कि जो नेचुरल हमारा टर्न होता है सीजन का कि हर सीज़न इस सीज़न के बाद ये आता है जैसे अभी समर है तो समर के बाद क्या जाएगा? आ जाएगा मानसून आ जाएगा रेनी सीज़न आ जाए उसी तरीके से जो नेचुरल सीजन का टर्न होता है उसके अकॉर्डिंग स्प्रिंग वापस एक बार फिर आएगा विंटर के बाद ठीक है सी एस और विंटर विल सीम लॉन्ग यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि विंटर क्यों लंबा लगेगा और विंटर विल सीम लॉन्ग मीन्स दैट गेटिंग थ्रू विंटर विल सीम वेरी डिफ़िकल्ट लॉन्ग एंड अनबियरेबल क्योंकि जो विंटर सीजन होता है उसमें बहुत ठंड होने के कारण वो सीज़न बहुत लॉन्ग डिफ़िकल्ट और अनबियरेबल लगता है जो बर्ड्स होती हैं उनके लिए ठीक है नाउ नेक्स्ट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन का बी मैंने यहाँ लिखा है आई टोल्ड यू सो का बी क्वेश्चन वॉट वॉज हिज एडवाइस तो आंसर इज रॉबिन एडवाइस्ड दैट द स्प्रिंग केम बैक अगेन इफ वी कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर तो रॉबिन ने एडवाइस दी थी कि स्प्रिंग वापस आएगा पर कब जब हम कंटिन्यूसली पूरे विंटर गाना गाते रहेंगे ठीक है सो दैट्स ऑल दिस एक्सरसाइज हैज़ बिन फिनिश्ड So, I hope you like my video. Okay, bye bye. Have a nice day.